हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। अभी आपको एक न्यूज़ सुनने को आ रही होगी कि तुर्की पाकिस्तानियों को सिटीज़नशिप देने जा रहा है, नेशनलिटी देने जा रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो तुर्किश लोगों को सिटीज़नशिप देगा। जब मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पर जाता हूँ, मुझे ये न्यूज़ सुनने को आ रही है बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े जो फेसबुक पेजेस हैं उनकी तरफ से, कि तुर्की और पाकिस्तान नेशनलिटीज़ बांट रहे हैं एक दूसरे के लोगों को। अब इस न्यूज़ की हकीकत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यूअल नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान अलाउ करता है। सिर्फ 19 ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। उन 19 कंट्रीज़ की अगर आप नेशनलिटी रखते हो, उनकी आपको नेशनलिटी मिल जाती है, तो साथ में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हो। उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट है कि आप ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हो। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे हमारे जो लोग इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं इमिग्रेशन की, वो आपको ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताते हैं जिनकी इजी नेशनलिटी मिल जाती है, फिर आपको बता रहे होते हैं कि आप ड्यूअल नेशनलिटी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 19 कंट्रीज़ की जो नेशनलिटी आप लेते हो, तो उस कंडीशन में आप पाकिस्तान और उस कंट्री का दोनों का पासपोर्ट अपने पास रख सकते हो, ठीक है, आप अलाउ होगे ड्यूअल नेशनलिटी। अब जो तुर्किश गवर्नमेंट है और पाकिस्तान है, इन दोनों का आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपको तुर्किश सिटीज़नशिप मिलती है तो आपको अपनी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप सरेंडर करनी पड़ती है, मतलब आपको अपनी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ती है, आपको अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। आप एक टाइम में या तो तुर्की की सिटीज़नशिप रख सकते हो या पाकिस्तान की, ठीक है। तो अभी दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में ऐसी बात चल रही है कि इस ऐसा एग्रीमेंट होने जा रहा है कि अगर आपके पास तुर्किश सिटीज़नशिप होती है तो उस कंडीशन में आप पाकिस्तानी सिटीज़नशिप भी रख सकते हो, मतलब आप ड्यूअल नेशनलिटी रखने के लिए एलिजिबल हो गए। तो असल न्यूज़ ये है। अब जो तुर्किश सिटीज़नशिप है वो किस तरीके से मिलती है, उसके कवानीन है, उसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो, $2,50,000 आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि एक मामूली रकम है जो बिज़नेस करते हैं लोग, उनके लिए सेकंड पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व हैं, जो दुनिया भर की कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। चंद ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, उनमें से भी आधी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे तो जाना ही पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे जाने के लिए आपको किसी बड़ी कंट्री से होके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो तुर्किश पासपोर्ट है उस पर 111 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल आपको देती हैं। तो इनमें कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, और इस कंडीशन में वो लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जिनका बिज़नेस चलता है, जो दुनिया भर में ट्रेड करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो तुर्की की सिटीज़नशिप और पाकिस्तान की सिटीज़नशिप बैक वक्त रख सकते हैं। अब तुर्कीश सिटीज़नशिप ऐसे ही बांट नहीं रहे, उसके कवानीन है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो $2,50,000 प्रॉपर्टी पे, तो आप एलिजिबल होते हो तुर्किश सिटीज़नशिप हासिल करने के। और ये सबसे जो है वो कम टाइम लेने वाला प्रोसेस है, मतलब विद इन 6 मंथ आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, तुर्किश पासपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप तुर्की में काम करते हो, 5 साल वहाँ पे गुजारते हो, तो आप एलिजिबल होते हो वहाँ की सिटीज़नशिप अप्लाई करने के। उसके लिए भी चंद कवानीन है, चंद रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको पूरी करनी होती है। बैंक में आप डिपॉजिट करते हो एक सर्टेन टाइम के लिए $5,00,000 US, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे, बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो भी आप एलिजिबल होते हो, तुर्किश गवर्नमेंट जो है वो आपको सिटीज़नशिप देती है। वहाँ पे शादी करते हो आप किसी तुर्किश सिटीज़न से, तो 3 साल के अंदर आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हो तुर्किश सिटीज़नशिप अप्लाई करने के। लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के लोगों को फ्री सिटीज़नशिप बांट रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के भी अपने कायदे कानून हैं, कुछ लॉज हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही आप पाकिस्तान की सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हो या आपको सिटीज़नशिप मिल सकती है, ठीक है। बहुत टफ़ लॉ है, ऐसा नहीं है कि हर बंदे को जो है वो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप मिल जाए। तो ये फेक न्यूज़ है, सिर्फ न्यूज़ इतनी है कि अब तुर्की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के बीच ऐसा एग्रीमेंट होने जा रहा है
कि आप ड्यूल सिटीजनशिप रख सकोगे अगर आपके पास तुर्की की सिटीजनशिप है। आपको अपनी पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी। तो असल चीज़ यही है। और जो सेकंड पासपोर्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, $2,50,000, उसमें भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी का ऑनर आप खुद होते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट मिल जाता है जिस पे आप एक्सेस कर सकते हो 111 कंट्रीज़ को। तो जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, जो दुनिया भर में जिनका बिज़नेस चलता है या जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। लेकिन होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी ये फाइनलाइज़ नहीं हुई चीज़। जब ये चीज़ फाइनलाइज़ हो जाएगी उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे। आप अगर तुर्की की सिटीजनशिप ऑलरेडी आपके पास है तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी अपने पास रख सकोगे, या इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आपको तुर्की की सिटीजनशिप मिले तो उस कंडीशन में भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अपने पास रख सकोगे। दोनों नेशनलिटीज़ आपके पास होंगी, कोई भी नेशनलिटी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल चीज़ यही है, लोग जो है वो अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं, फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। इन फेक न्यूज़ से बचें। मुझसे भी काफ़ी लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए, पूछा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि असल हकीकत क्या है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।